हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने लर्निंग पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जैसा कि मैं कमेंट आपको रीड करता हूं तो आप लोग बताते हो कि क्या आप सीख रहे हो आप लोग, ठीक है। सो इसी तरह से अपने लर्निंग को कंटिन्यू रखिएगा। आज हम बात करेंगे कि जो ट्रेडिंग हम लोग कर रहे हैं उस ट्रेडिंग की और उसकी परफेक्शन कैसे लाएँ, कैसे उसकी हम मास्टरिंग करेंगे, ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करके अपने ट्रेडिंग को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो उसी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि बहुत सिंपल है और हम अपनी लाइफ में ना छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा हम लोग कर सकते हैं। क्या होता है कि हमारे माइंड ना किसी भारी भरकम चीज को या भारी चीजों को, भारी टास्क को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप स्टेप को फॉलो करो और इसको एक साल तक फॉलो करना है तो कहीं ना कहीं वो चीजें क्या होगी, वो डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस चीज को, स्टेप को फॉलो करो और कितना दिन फॉलो करना है, वन सेवन डेज, ऑफकोर्स इफ पॉसिबल है। तो कोई भी लाइफ में टास्क लेना है तो बहुत छोटा टास्क लेना है, छोटी छोटी हम अगर टास्क लेकर अगर लाइफ को स्ट्रांग करना चाहें या फिर ट्रेडिंग को स्ट्रांग करना चाहें तो सब कुछ पॉसिबल है, राइट। आइए हम लोग पहले बात करते हैं कि पहला जो स्टेप है हमारा, टू मच इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? टू मच इंफॉर्मेशन का मतलब यह हुआ कि हम में से बहुत लोग, जैसे मैं अपने लाइव सेशन में भी आता हूं या फिर मैं अपने व्हाट्सएप या फिर मतलब और सारे सोशल मीडिया में देखता हूं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल लर्निंग पर फोकस करते हैं, उनका एक्शन ऑलमोस्ट जीरो होता है। आप एक चीज याद रखना कि जो भी इस संसार में जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी जो एजुकेशन है हार्डली ग्रेजुएट होंगे, मैक्सिमम ग्रेजुएट होंगे या फिर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड होंगे ना, वो नौकरी कर रहे हैं। और इफेक्ट आपकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपको नुकसान कर सकता है। एग्जाम्पल पे आप देखो कि बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मान लो कि इलियड वेब हम स्टडी करते हैं तो इलियड वेब में अगर हमारे पास 13 से लेकर 18 तक हमारा चार्ट पैटर्न्स होते हैं, मतलब वेब पैटर्न्स होते हैं, आपको इसमें से कितने याद होंगे? तो अपनी इंफॉर्मेशन को अभी एक्शन के लिए लिमिट कर दो, उसकी लिमिट बांध दो कि इतनी इंफॉर्मेशन लेनी है और उसी इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें एक्शन लेना है। आज से ही उस पर स्टॉप कर दो, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मेमोराइज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हम उसमें उलझ जाते हैं। अगर हम उलझे रहेंगे तो हमारा एक्शन जो जोन है ना वो भी खोना सब शुरू हो जाता है। तो टू मच इंफॉर्मेशन इज अ वेरी हजार्डस फॉर योर एक्शन, कीप इन माइंड। हम लोगों ने पढ़ रखा है या सीख रहा कि लर्निंग से अर्निंग बढ़ता है, ऑफकोर्स लर्निंग से अर्निंग बढ़ता है, बट एक हर चीज की लिमिटेशन होती है। सो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और हम जो दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे, आज फोकस, वन पॉइंट, किसी एक पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करो। मैं ये भी बोलता हूं कि मत सीखो इलियट वेब, लेकिन जो सीखे हो ना, जैसे कि आप चार्ट पैटर्न ले लो, कोई भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न लेते हो और या फिर डायगोनल पैटर्न ले लेते हो या फिर आप ये कह लो कि आप कप एंड हैंडल पैटर्न ले लो, फ्लैग पैटर्न ले लो, इतने सारे पैटर्न है, टोटल 48 टेक्निकल जो पैटर्न होते हैं, 48 पैटर्न होते हैं। इसमें से आपकी किसकी मास्टरिंग है? इलियट वेब में टोटल जो है 13 से 18 पैटर्न हैं, खैर इसमें सब इंक्लूड हो जाता है, लेकिन आपको इसमें से कितने याद हैं, कितने जो आपको दिखते हैं? तो आज से क्या करना है, किसी एक पैटर्न की मास्टरिंग करनी है। ब्रूसली ने बोला है ना कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिस जो 1000 किक मारता है, लेकिन उस इंसान से जरूर डरता हूं जो एक किक पर 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। आपको भी वही करना है, इनफैक्ट मैं भी वही करता हूं। अब मैं जो भी अपडेट देता हूं, देखो भी हो, मैं जो भी आपको अपडेट करता हूं अपने लाइव सेशन में, कॉन्फिडेंस के साथ देता हूं, क्योंकि मुझे उसके पता है, मैंने उसकी प्रैक्टिस किया है। आपको भी उसकी प्रैक्टिस करना है। जो भी आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न आता है आप उसकी मास्टरिंग करो, कप एंड हैंडल आता है उसकी मास्टरिंग करो,
फ्लैग आता है उसके मास्टिंग करो, डायगोनल आता है उसके मास्टिंग करो, किसी एक को पकड़ो या मैक्सिमम दो को, तीसरा जानने की जरूरत ही क्या है, राइट? आइए हम अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं कि ऑफ कोर्स इट्स फाइन टू हार्ड, है ना, इट्स फाइन टू बी हार्ड सिस्टम। अगर एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हो तो बहुत हार्ड होता है, एक सिस्टम को बनाने में, एक सिस्टम को जनरेट करने में हमें डिफिकल्टियां आती हैं। बट अगर हम स्टार्ट करते हैं आज से और उसको ना धीरे धीरे रिफाइन करते हैं, तो विद इन मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन में हम एक सेटअप को डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं एक टास्क दे रहा हूं कि आप आज से, अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो आज दिन कंसीडर कर लो, एक सेटअप जरूर क्रिएट करोगे और वही सेटअप की आप मास्टरिंग करोगे। तो मैं ज्यादा आपको बड़ा टास्क नहीं दिया हूं मैं, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इस सेटअप को, अपनी मास्टरिंग को और टू मच इन्फॉर्मेशन को स्टॉप करेंगे। सो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूं और वेट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, अब बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ और आपको गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।